केले के तने से तरल और ठोस दोनों प्रकार की जैविक खाद बनाई जाएगी। केला किसान इन उर्वरक का इस्तेमाल अपने खेत में कर सकेंगे या इसे बेच भी सकेंगे। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जिसका लाभ उठाकर किसान मुफ्त में फसलों की सिंचाई कर सकते हैं और इसके तहत किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सब्सिडी भी मुहैया कराई जाती है, जिसमें 30% केंद्र सरकार और 45% सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से मुहैया कराई जाती है। सोलर पंप लगाने के लिए किसानों को सिर्फ 25% राशि का भुगतान करना होता है। इन पंपों को लगाने पर बीमा कवर भी दिया जाता है और इसके साथ सोलर पंप से सिंचाई करने का खर्च भी काफी कम होता है, क्योंकि यह सौर ऊर्जा से चलाया जा सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते वैश्विक बाजार में डाई अमोनियम फॉस्फेट और उसके लिए जरूरी कच्चे माल फॉस्फेरिक एसिड की ऊंची कीमतों के चलते ताजा कीमतों पर आयात करने पर उर्वरक कंपनियों को करीब 20,000 रुपये प्रति टन के घाटे के चलते नए आयात सौदे अब नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह है सरकार द्वारा विनियंत्रित उर्वरकों के लिए न्यू एंट्री आधारित सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी में बढ़ोतरी आ करना। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद की पूरी प्रक्रिया के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा हाथ लगा है। पंजीयन में जिन किसानों ने अपनी जमीन पर गेहूं बोया था, उस जमीन पर गेहूं की फसल थी ही नहीं, वहां चना या दूसरी फसल मिली। कुछ जगहों पर घर, कहीं नदी नाले तो कहीं पहाड़ मिले। दरअसल खाद्य विभाग ने 9,85,019 किसानों की 33.69 लाख हेक्टेयर जमीन की मौके पर SDM और तहसीलदार से पड़ताल करवाई तो पता चला कि 56,123 हेक्टेयर जमीन में गेहूं की फर्जी खेती की जा रही है। पंजाब में भगवत मान सरकार को सत्ता में आए एक महीना पूरा हो चुका है और इस मौके पर सूबे की सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है। मसलन 1 जुलाई से प्रदेश में हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया है। प्रदेश सरकार ने अपने 30 दिन के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया और इसके साथ ही अखबारों में विज्ञापन के जरिए ये दावा किया गया कि पंजाब में 1 जुलाई से 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 100 दिनों में 1.71 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाएगी। प्रदेश में खेती योग्य भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए सरकार तेजी से काम शुरू करने जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के तहत 477.33 करोड़ रुपए खर्च भी किए जाएंगे। सामान्य तौर पर बाजार में मैदे या आटे से बनी ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड मिलती है, लेकिन अब आप टमाटर और शिमला मिर्च से बनी ब्रेड का भी स्वाद ले सकेंगे। दरअसल लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर रमनदीप कौर ने 4 साल के शोध के बाद पहली बार टमाटर और शिमला मिर्च के इस्तेमाल से पोषक तत्वों से भरपूर ब्रेड तैयार की है। तो वहीं उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। तापमान बढ़ने के बीच मौसम शुष्क बना हुआ है। वहीं तमिलनाडु, केरल और असम समेत कई राज्यों में बारिश की भी गतिविधियां जारी हैं और वहीं असम के मौसम ने ऐसी करवट ली कि तेज आंधी तूफान और भारी बारिश से राज्य को काफी नुकसान हुआ। इसी तरह के अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।